अल्मोड़ा की फर्स्ट सीमा में मिट्टी फेंक रहा एक डंपर सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। 500 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से इस डंपर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि डंपर चालक ने मौके पर ही गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे कि वो एक पहाड़ी में जा फंस गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आपदा की टीम ने मौके पर आकर कड़ी मशक्कत के बाद डंपर चालक को पहाड़ी से निकाला। वहीं सीओ प्रभारी ने बताया कि डंपर सुबह मिट्टी डालने का काम कर रहा था और इसी दौरान मिट्टी की सतह दबने से डंपर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। डंपर में सिर्फ चालक सवार था, जिसे कि पहाड़ी से निकाल दिया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रेस्क्यू करने के बाद अब इस चालक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शहर से कहीं मिट्टी ला करके यहाँ पर डंपर को खाली कर रहा था, उसी दौरान इसकी बारिश के कारण धसने से पीछे गिर गई है, तो उसी में ये भी गिर गया है। एक साइड को ये गिर गया है, इसलिए ये बच गया है, दूसरी साइड में डंपर चला गया नीचे। 7 बजे DCR के माध्यम से हमें कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई कि एक टिप्पर जो मिट्टी फेंक रहा था वो गिर गया है फलसीमा के पास। तो हमारे द्वारा आपदा प्रबंधन की टीम और वॉलंटियर्स जो हमारे आपदा प्रबंधन के ट्रेन थे उनको तुरंत मोबिलाइज किया गया और टीम को भेजा गया। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय को भी घटना की जानकारी दी गई, वो भी दलबल के संग मौके पर पहुंचे तथा लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद इस घायल व्यक्ति को जो कि ट्रक में सवार था निकाल के सकुशल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।